दोस्तों ये डीजी है, 1010 केवीए का डीजी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए बैटरी है, ये इसका कंट्रोलर है। हम लोग डीजी चालू करने से पहले इसका वोल्टेज देखते हैं, बैटरी वोल्टेज कितना है तो चेक करेंगे। ये देखिए सारे पैरामीटर हम लोग एक बार चेक करेंगे तभी अपन डीजी स्टार्ट करेंगे। पहले क्या क्या पैरामीटर, देखिए इंजन में जैसे टच करेंगे अपने को पैरामीटर दिखेगा। ये देखिए बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं 26.1 है। इंजन हावर्स हो गया, इसको डाउन करेंगे तो सारा वैल्यू आता जाएगा। ये देखिए सारा वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद एसी में जाएंगे, इसको डाउन करेंगे, इंजन में आएंगे तो सारा वैल्यू यहाँ पर शो होगा। एसी में कर देंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर कूलेंट लेवल है, कूलेंट लेवल है। तो कूलेंट लेवल में हम लोग उसका एक वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, उतना अपना कूलेंट होना चाहिए वहाँ पर सेट वैल्यू दिया हुआ है। ये देखिए कूलेंट लेवल यहाँ पर देखते हैं डीजी का, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो इंजन लेवल कितना है। ये देखिए इसका 70% समथिंग इसका वैल्यू होना चाहिए। ये देखिए ये देखिए सब लिखा हुआ है। ये आपका इंजन को चेक करने का एक पैरामीटर होता है तो इसी को यहाँ डाल देते हैं अंदर। तो एटलीस्ट आपका 70% यहाँ पर इंजन ऑयल होना चाहिए इस आपका डीजी में, जिसका मेन इंजन होगा। ये बोल सकते हैं इसको एयर फिल्टर बोल सकते हैं, एयर फिल्टर है, एक दो दो टू एयर फिल्टर रहते हैं। कूलेंट टेबल आपको दिखाई दिया हूँ, ये कूलिंग फैन होता है जो पूरा आपका सिस्टम को पूरा कूल करता है। ये कूलिंग फैन लगा हुआ है, ये देखिए फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है, एक ही हो गया। एक आपका यहाँ पर बोल सकते हैं हाई एफिशिएंसी के लिए एक इंजन ऑयल फिल्टर हुआ, इंजन ऑयल फिल्टर बोल सकते हैं, एक दो यहाँ लगा हुआ है। ये फ्यूल फिल्टर हुआ, फ्यूल फिल्टर हो गया। ये देखिए फ्यूल वाटर सेपरेटर यहाँ पर लगा हुआ है, एडवांस हाई एफिशिएंसी। ये कैटरपिलर कंपनी का डीजी है, 1010 केवीए का, मेड इन यूएसए। देखिए ये फ्यूल वाटर सेपरेटर है, ये क्या करता है कि जो भी आपका जो इंजन में या फिर जो भी आपका जो बोल सकते हैं इंजन में जो भी हल्का सा कुछ भी सिस्टम रहता है ऑयल का, तो उसको वाटर को जो रहता है वाटर कॉन्टेंट उसको सेपरेट करता है, अलग करता है। देखिए आपका बैटरी हो गया, बैटरी टर्मिनल्स हो गया, दो बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये आपका बैटरी, दो बैटरी यहाँ पर चार्जर जो बैटरी बोल सकते हैं बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं जब भी डीजी ट्रायल लेने जाएंगे तो देखिए आपका आपका डीजल टैंक है, इसको टैंक का लेवल चेक करना है कितना है। देखिए अभी समथिंग 780 है, समथिंग 990
का इसका कैपेसिटी है 1000 लीटर का कैपेसिटी रहता है, तो समथिंग 990 लीटर यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये लेवल इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए लेवल, तो हमको हमेशा इसका लेवल चेक करना चाहिए। डीजी टायर लेने जाएंगे, आइए देखिए ये अभी लाइन में है, इसको ऑफ करना है, घुमा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये ऑयल जाता है सीधे डीजी में। ये आपका डीजी का जो रेटिंग दिया हुआ है ये देखिए, ₹1500 RPM, 1405 एम्पियर, ये आपका 1000 KVA का, 1010 KVA का डीजी है, मतलब 808 किलोवाट, 0.8 पावर फैक्टर, 50 हर्ट्स, तो ये सब लिखा हुआ है। इसका जो रेटिंग है सब वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ब्रेकर है, 3 ब्रेकर है, डीजी इनकमर 2 नंबर, डीजी इनकमर 1 नंबर, तो ये 2 डीजी यहाँ पर है, 2 डीजी को सिंक्रोनाइजिंग करता है। देखिए डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए SOP फॉर ऑपरेशन, मतलब डीजी जब आपका जब ब्लैकआउट कंडीशन में होगा तब डीजी में कैसे कैसे चालू करना है, सारा पैरामीटर यहाँ पर दिए हुए हैं, स्टेप बाई स्टेप अपने को क्या कैसे डीजी चालू करना है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी हम डीजी को चला के एक बार देखेंगे कैसे डीजी को स्टार्ट करना है। देखिए एक मेन कंट्रोलर बूटबर्ड कंपनी का कंट्रोलर यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑटो और मैनुअल सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। पर सारे पैरामीटर यहाँ पर देखिए अभी ऑटो मोड में है, जैसे ही ये ऑटो में चालू होगा डीजी तो दोनों वहाँ पर भी दिया हुआ है, ये भी देखिए ऑटो में है, दोनों डीजी आपस में सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन में चलेंगे। और पावर आपका मेन वो 440 का जो बस बार है वहाँ सप्लाई जाएगा। तो इसको मैनुअल में भी मैनुअल करेंगे तो मैनुअल हो गया, मैनुअल ऑटो करेंगे, ऑटो में दबाएंगे तो ऑटो हो जाएगा, ऑटो मोड रेडी आ जाएगा। अभी मैं इसको एक बार चला के दिखाऊंगा आपको कि कैसे चालू करना है अपने को। देखिए ये आपका बैटरी चार्जिंग का दिया हुआ है, 1 MCB कंटिन्यूस 230 वोल्ट सप्लाई जाएगा बैटरी चार्जर में, और अपना जो बैटरी है वो कंटिन्यूस चार्ज होता रहेगा। ये देखिए आपका बैटरी चार्जर है, देखिए 230 वोल्ट सप्लाई बैटरी चार्जर है, कंटिन्यूस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए सिस्टम लगाया हुआ है ताकि अपना बैटरी कंटिन्यूस चार्ज रहे, क्योंकि यदि बैटरी का वोल्टेज डाउन होगा तो फिर डीजी चालू नहीं होगा। तो अपने को बैटरी का भी कंटिन्यूस देखना पड़ता है कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बैटरी चार्जर हुआ, इसका MCB दिया हुआ है यहाँ पर सिंगल फेज, देखिए सिंगल फेज सप्लाई दिया हुआ है। देखिए ये MCB दिया है ग्रिड से, जैसे अपना ग्रिड पावर फेल होगा ऑटोमेटिक ये कमांड जाएगा डीजी के मेन इंजन में, तो उसमें डीजी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी मैं इसको बंद करूंगा तो डीजी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, देखिए ये देखिए मैंने बंद किया डीजी को।
जैसे ही 2 मिनट होगा, 2 मिनट में यदि अपलोड नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक डीजी बंद हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मेरा डीजी यहाँ पर बंद हो चुका है, दोनों डीजी यहाँ पर मेरे बंद हो चुके हैं। और जैसे हम टायर लेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज फ्रिक्वेंसी यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरा डीजी मैं ऑफ कर दिया हूँ, तो अभी मेरा डीजी बंद हो गया है। तो जैसे ही 2 मिनट होगा ऑटोमेटिक दोनों डीजी, यदि उसमें लोड नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है। देखिए मेरा डीजी इनकमर है, देखिए डीजी एक नंबर दो नंबर दिया है। जैसे ही डीजी मेरा चालू होगा यहाँ पर सप्लाई तीनों आ जाएगा, उसके बाद ये सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन में ये मेरा एसीबी ऑन हो जाएगा। जब भी मेरा डीजी सिंक्रोनाइजिंग होगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर दिखाएगा, शो होगा, उसके बाद मेरा यहाँ पर ब्रेकर ऑन हो जाएगा। इसको मतलब ऑन करना पड़ेगा तो अपना ब्रेकर यहाँ पर ऑन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सारा इंडिकेशन यहाँ पर तीनों आएगा, ये एसी भी ऑन हो जाएगा, ये सब ऑन कंडीशन में रहेगा। ये देखिए लोकल में दिया हुआ है डीजी एक नंबर दो नंबर, अपना वोल्टेज शो होंगे, मल्टी फंक्शन मीटर है, एम्पियर यहाँ पर शो होगा। जब भी अपन लोड देंगे तो यहाँ पर सब सारा चीज़ वैल्यू शो होगा, और जैसे ही अपन इसको चार्ज करेंगे ये मेरा एसी भी ब्रेकर ऑन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को मैनुअल ऑन करना पड़ेगा, एक लोकल दिया हुआ है, तो सारा पैरामीटर यहाँ पर शो होंगे, सारा चीज़ यहाँ पर शो होंगी। जब भी ब्लैकआउट कंडीशन रहेगा तो सारा सिस्टम बंद रहेगा, खाली में डीजी चालू रहेगा, सारा बस बार में, ये पूरा बस बार अंदर, सारा पावर अंदर बस बार में रहेगा, उसके बाद हम कहीं भी पावर दे सकते हैं, कहीं से भी पावर दे सकते हैं।